नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी BEO के लिए भारतीय इतिहास का ये भाग दो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है अब की बार BEO पर। दोस्तों, आपने हमारे भाग फर्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखा, ठीक है, कमेंट भी आए, तो इसी के परिदृश्य में दोस्तों हम भाग दो लेकर आए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको ये हमारा भाग दो भी कैसा लगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है और दोस्तों सबसे पहले बात बता दूं आपको मैं कि जो प्रश्न है इसमें आपको आंसर देने का मौका मिलेगा। 5 सेकंड आपके लिए दिए जाएंगे, उसके बाद में हम उत्तर बताएंगे, ठीक है। तो आपके जितने सही हों प्लीज़ कमेंट करके बताना और आपके सुझाव हमें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, हमारे लिए। तो फ्रेंड, सबसे पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इन चारों में से एक जो है वो असत्य है, ठीक है, और 3 सत्य हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहे से परिचित वो नहीं थे, ठीक है, ये जो है असत्य है और बाकी सब ठीक हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे ये भारत है, ठीक है, भारत का नक्शा है, ये यहाँ से लेकर ये त्रिकोण में, अगर क्वेश्चन प्रश्न सवाल में आ जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका आकार कैसा है, तो दोस्तों उसका आकार कैसा होगा, त्रिकोणीय होगा उसका, ठीक है, त्रिकोणीय होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे उनमें नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ठीक है, जो नाली थी उसके बगल में सड़क के बगल में तो ढकी हुई थी, ठीक है, और व्यापार और वाणिज्य उन दशा में था, पहला भी ठीक दूसरा भी ठीक, और मातृ देवी की उपासना और पशुपति की उपासना वो करते थे। लोहे से परिचित वो नहीं थे, ठीक है, लोहा नहीं पाया गया किसी भी नगर में। दूसरा सवाल, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म स्थान जो है वो लुम्बिनी है, ठीक है, तो इसका जो समर्थन होता है वो किसके अभिलेख से होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अशोक, ठीक है, क्योंकि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लुम्बिनी, ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लुम्बिनी कब गया था, उस तो 20वें वर्ष गया था, कि अपने धम्म यात्रा के 20वें वर्ष गया था, ठीक है, तो वहाँ पर उसने लुम्बिनी में कर समाप्त कर दिया 1/8, ठीक है, 1/8 कर दिया, और यह जो था, जो लुम्बिनी था, यह गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान था, इसलिए उसने 1/8 कर दिया, नाम मात्र का कर उसने कर दिया। अगला सवाल, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था, ठीक है, अशोक ने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति जो अपनाई थी उसका मुख्य सिद्धांत क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है स्व नियंत्रण, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो अशोक ने धम्म नीति जो अपनाई थी वह कलिंग के युद्ध, ठीक है, कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, उसमें इतने लोग मारे गए, 1,00,000 लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए। जब वह युद्ध भूमि में गया अशोक, तो उसने देखा इतनी महिलाएं रो रही हैं, इतने लोग मारे गए, तो उसका जो दिल था वो
पिघल गया उसे देखकर। उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति अपनाई। उसका जो मुख्य सिद्धांत था वो था स्वनियंत्रण। उसने स्वयं पर काबू पाने के लिए धर्म नीति का प्रयोग किया। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल दोस्तों। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। दोस्तों सही आंसर इसका मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपनी की इंडिका में, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसमें कहा है कि जो मौर्यों के नगर थे उसमें 30 जो प्रशासनिक अधिकारी थे, ठीक है, जिसमें 6 कमेटियाँ थी, हर एक कमेटी में 5 सदस्य थे। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो है मौर्य के नगर के प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। अगला सवाल, गुप्तकाल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, गुप्तकाल में राज्य की आमदनी का जो मुख्य स्रोत था वो था भूमिकर। ठीक है, जो भूमिकर था वो 1/4 से लेकर 1/6 के बीच में था। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किसने महाबलीपुरम में पैगोडा रथों का निर्माण कराया था? ठीक है दोस्तों, महाबलीपुरम में पगोड़ा रथ हैं, ठीक है, बहुत सारे रथ हैं उसमें, तो उनका नाम है पैगोड़ा रथ, तो उनका निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है पल्लवों ने। ठीक है, पल्लवों ने महाबलीपुरम में, पल्लवों की राजधानी कांची थी, ठीक है, तो महाबलीपुरम में पगोड़ा रथों का निर्माण कराया, जिसमें द्रौपदी रथ, ठीक है, द्रौपदी रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ, ऐसे करके बहुत सारे वहां पर रथ थे, उनको इतिहासकारों ने पगोड़ा रथ कहा है। अगला सवाल, कल्हड़ की राजतंगणी की रचना हुई थी? ठीक है दोस्तों, जो कल्हड़ की राजतंगणी है उसकी रचना किस शताब्दी में हुई थी? तो फ्रेंड्स, सही आंसर इसका 12वीं शताब्दी में। दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी किस प्रकार की रचना है? दोस्तों ये राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक रचना है, और इसकी जो रचना हुई थी वह 12वीं शताब्दी में हुई थी, यानी कि 1148 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, 1148 मतलब कि 1100 के बाद का जो काल होगा वो 12वीं शताब्दी कहलाएगा। जैसे अब चल रहा है 2000, ठीक है, 2019, तो 2000 जैसे 2000 हो जाएगा जब 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है, 21वीं शताब्दी ये चल रही है, 2000 के बाद के काल को बोलते हैं किस्म शताब्दी। तो दोस्तों 1148 में कल्हड़ की राजतरंगिणी, जिसमें वंशावली दर्शाई गई है, ठीक है, और ये जो है कश्मीर, ठीक है, कश्मीर जो राज्य है उसमें कल्हड़ वहाँ का निवासी था, वहाँ का एक राजा था, उसके आश्रय में कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी थी। अगला सवाल, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी?
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। दोस्तों हमारे दिमाग में ये बात आता है कि इकता क्या है, जो जो कैंडिडेट ठीक है जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है वो सोच रहे होंगे कि इकता क्या है। दोस्तों इकता जो है इल्तुतमिश के काल में जो सेनापति थे जो अधिकारी थे उनको अपनी कार्य करने के बदले में ड्यूटी करने के बदले में ठीक है उनको एक ज़मीन दी जाती थी, ज़मीन उसको बोलते थे इकता, और जो अधिकारी होते थे सेनापति होते थे उनको बोलते थे इकतादार, ठीक है इकतादार। तो इल्तुतमिश ने ये सबसे पहले प्रारंभ की थी। अगला सवाल, तुर्क सेनापति जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था कौन था? तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका बख्तियार खिलजी। दोस्तों बख्तियार खिलजी जो एक अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था ठीक है, तो 1303 से 6 के बीच में यह दक्षिण की तरफ गया ठीक है, बंगाल तरफ गया, बंगाल बिहार होता हुआ इसने क्या समझा कि ये जो है किसी राजा का महल है, क्योंकि ये जो थे विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय ये कई मंजिल थे, जो नालंदा था वो 10 मंजिल करीब था ठीक है, ऐसे ही विक्रमशिला था, तो इसने समझा कि ये जो है ये राजा का कोई महल है ठीक है। इसने क्या किया, इसमें इस पर आक्रमण कर दिया और बम के गोले बरसाए, इसमें आग लगा दी ठीक है, तो बिल्कुल इसने नष्ट कर दिया, आज इसके अवशेष जो हैं वो पाए जाते हैं बस। तो इसको पता नहीं था कि ये एक विश्वविद्यालय है ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ने ये नष्ट कर दिया था। अगला सवाल, जैनु आबदीन ठीक है, जैनुल आबदीन जिसने गोहत्या प्रतिबंधित कर दी कहाँ का शासक था? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। तो फ्रेंड्स जैनुल आबदीन जो था वो कश्मीर का शासक था ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। दोस्तों इसने इसको कश्मीर का अशोक भी बोलते हैं ठीक है, कश्मीर का अशोक या कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं, कश्मीर का अशोक भी बोलते हैं। इसने क्या किया, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया ठीक है, और मंदिरों के लिए दान दिया, मंदिर निर्माण के लिए सती प्रथा को बंद कर दिया, और देखो दोस्तों ब्राह्मणों को आश्रय दिया ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह को आश्रय दिया। तो इसने बहुत सारे काम ऐसे किए जिससे उसकी जनता जो थी वो प्रसन्न रहती थी, इसलिए इसको कश्मीर का अशोक भी बोलते हैं, कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं इसको ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था ठीक है, जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसका सामाजिक परिणाम क्या था? तो फ्रेंड्स भक्ति आंदोलन का जो सामाजिक परिणाम था वो था क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि ठीक है, क्योंकि जो भक्ति आंदोलन के जो जो गुरु पीर पैगंबर थे उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में भक्ति करनी स्टार्ट की ठीक है, उनके जो जैसे कबीर साहब थे हैं, तुलसीदास, रामानंद और सूरदास, इन्होंने क्या किया अपनी क्षेत्रीय भाषा में, किसी ने ब्रज में, किसी ने अवधि में, किसी ने मराठी में ठीक है, इन्होंने भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया और अपने अपने विचार समाज में प्रस्तुत किए, तो क्या हुआ क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि इसमें हुई। अगला सवाल, किस किले पर कब्जा करते हुए शेरशाह की मृत्यु हुई?
तो फ्रेंड्स सही आंसर है कालिंजरम। ठीक है दोस्तों, इसकी एक कहानी मैं बताऊँ आपको। जो शेरशाह सूरी था, ठीक है, ये कालिंजर के, इसकी जो सेना थी ये कालिंजर के किले पर बम बरसा रही थी। ठीक है, जैसे ये कालिंजर का किला है, यहाँ से बम बरसा रही थी यहाँ पर। तो एक जो बम था वो यहाँ पर जो इसकी दीवार पर फूटा नहीं और ये वापस आ गया। तो ये जो वापस आ गया यहाँ पर, ये फट गया। ठीक है, तो उसमें शेरशाह सूरी घायल हो गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो किला था वो कालिंजर का किला था। 1945 के करीब में इसकी 1945 नहीं 1545 ठीक है 1545 की इसकी मृत्यु हो गई। अगला सवाल, अकबर ने दहशाला प्रथा की शुरुआत की, अकबर ने दहशाला प्रथा की शुरुआत कब की थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 1580 में। ठीक है, अपने राज्याभिषेक के 24वें वर्ष में, ठीक है 1556 में जो अकबर गद्दी पर बैठा और उसने 24 साल बाद आईने दहशाला पद्धति की शुरुआत की। और इसको जो जन्मदाता माने जाते हैं वो माने जाते हैं टूडरमल। आईने दहशाला का जो प्रवर्तक है और जिसने उसकी सुझाव दिया जन्मदाता है वो था टूडरमल। ठीक है, टूडरमल जो था वो एक वित्त विभाग में काम करता था उस टाइम। अगला सवाल, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो दोस्तों सही आंसर इसका मुगल सम्राट। उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, उसने बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में दे दी। क्योंकि जो मुगल सम्राट था वह बक्सर के युद्ध में जो 1764 में हुआ था उसमें हार गया था। ठीक है, इसलिए उसने बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों जो सती प्रथा है वो 1829 में बंद की गई लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स सही आंसर है अहमदुल्ला। दोस्तों अहमदुल्ला से जो अंग्रेज थे वो इतने डर गए थे कि इस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। ठीक है, 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था अहमदुल्ला पर। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। शारदा अधिनियम, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शारदा अधिनियम कब आया। ठीक है, और उसके तहत लड़कियां और लड़कों की जो विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष, यह 1917 में आया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। दोस्तों, इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने, ठीक है, और ब्रह्मा समाज की राजा राममोहन राय और आर्य समाज की दयानंद सरस्वती। परंतु दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की, ये की थी स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने अठारह में, ठीक है, शिकागो में, जो अमेरिका में पड़ता है, शिकागो में एक धर्म सम्मेलन किया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो फ्रेंड्स, सही आंसर इसका उषा मेहता। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त, ठीक है, 1942 को आरंभ हो गया, 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित कर दिया गया और 8 अगस्त की रात को, ठीक है, जो सारे नेता थे, भारत के सारे नेता, वो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिए और जो कुछ महत्वपूर्ण नेता थे उन्होंने भूमिगत होकर, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भूमिगत जो नेता थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार किया, वो कौन कौन थे? दोस्तों, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण और उषा मेहता थे। अगर ये आ जाए कि कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया, तो दोस्तों उषा मेहता ने किया था, ठीक है, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो ये किया था उषा मेहता ने। अच्छा, एक क्वेश्चन और दोस्तों, अगर आ जाए कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, ठीक है, दोस्तों करो या मरो का नारा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं हम बंगाल विभाजन कब हुआ था। दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है, बंगाल की एकता को दो भागों में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बंगाल विभाजन किसने किया, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि बंगाल विभाजन किस तारीख को हुआ। तो दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हो गया, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जो था उस समय वायसराय था, उसने उस समय के जो बंगाल था वह भारत की एकता और राष्ट्रवाद का प्रमुख शहर था वो, ठीक है, इसलिए उसने बंगाल को विभाजन के रूप में देखा। तो उसने जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह जो किया था, नेतृत्व वह किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, गांधी जी चंपारण क्यों गए थे?
दोस्तों चंपारण गांधी जी गए थे नील की खेती करने वालों की शिकायत जांच करने के लिए। ठीक है, नील की खेती जो अंग्रेज लोग थे वह किसानों पर ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। ठीक है, ज़बरदस्ती तो उसको बोलते थे तिनकठिया। ठीक है, तिनकठिया व्यवस्था। तिनकठिया व्यवस्था के तहत अपनी ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। तो वहाँ के लोग ने क्या किया कि नील की खेती करने वालों की ने शिकायत की और वहाँ विद्रोह हो गया। तो उसकी जांच करने के लिए गांधी जी गए तो उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह शुरू कर दिया। सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था और वहाँ पर लोग भूखे हो गए तो सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, तो चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह किया जो सफल भी हुआ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों इसमें से जो जोड़ा सही है वो है सूर्य सेन, जो थे मास्टर सूर्य सेन, वह चटगांव के जो शस्त्र कार्यालय था उस पर उन्होंने हमला किया था। और मैं बता दूँ आपको, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वह काकोरी कांड से संबंधित थे। ठीक है, काकोरी कांड अगस्त 1925 में हुआ था। ठीक है, अगस्त 1925 में, और भगत सिंह जो थे दिल्ली बम कांड से, और चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड से संबंधित थे। ठीक है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई, इनके साथ में अशोक लाहिड़ी, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी दे दी गई थी, और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ये भाग गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध INA के मुकदमे के वकील थे? INA दोस्तों आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज मुकदमे के वकील थे। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा क्यों चलाया गया? दोस्तों जापान से चलकर यह बर्मा पर आई। ठीक है, और भारत को आज़ाद करने के लिए 45,000 के करीब जो इसमें लोग शामिल थे भारतीय, उन्होंने इन पर आक्रमण किया भारत पर। और जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, जिस पर लाल किले में, ठीक है, लाल किले में उन पर मुकदमा चला, उसको बोलते हैं INA मुकदमा। ठीक है, INA मुकदमा। दोस्तों उसका जो वकील थे उनके, वो भूलालाल देसाई थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, ये उनके वकील थे। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भूलालाल देसाई का। नेक्स्ट, और दोस्तों हमारा ये लास्ट सवाल है। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना किसने की और उसे अपनी द्वितीय राजधानी किसने बनाया? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की और उसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? पार्ट फर्स्ट की तरह ये भी मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, मैं ऐसा करता हूँ। तो दोस्तों मैं जब तक आपका पेपर होगा मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, विज्ञान और राजनीति शास्त्र के ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपको। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने कमेंट पर। दोस्तों एक जो देखने वाले हैं वीडियो को वो 10 दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।
तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन सही थे इसमें और आपको वीडियो कैसी लगी। आपका सुझाव हमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।